देश भर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,18,000 के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक 3,583 लोग कोरोना के चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। हालांकि अब तक 48,534 मरीज ठीक भी हुए हैं, थोड़ी राहत की बात। वहीं महानगरों में COVID-19 के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में COVID-19 के सबसे ज्यादा मरीज हैं। और अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन का चौथा दौर चल रहा है, ऐसे में तमाम एहतियातें भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है। एक सवाल आपसे ये कि अब जो मरीज मिल रहे हैं उनमें किस एज ग्रुप के मरीज मिल रहे हैं, क्या वो युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर सभी एज ग्रुप के मरीज उनमें शामिल हैं? देखिए, जो नए मरीज मिल रहे हैं मनीषा, उसमें लगभग सभी एज ग्रुप के मरीज ज्यादा हैं। बच्चों की हालांकि बच्चों की संख्या इसमें कम है, युवा और बुजुर्ग जो मरीज हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं। और जो क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच रहे हैं उनमें जो बुजुर्ग जो मरीज है वही क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच रहे हैं। डेथ रेट की बात करें तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनका डेथ रेट बहुत ज्यादा है और जो युवा है वो जनरली रिकवर कर रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से यही सलाह दी जा रही है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी उनको अपनी इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। इस स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी लगातार इस मामले को लेके नए दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और उनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है मनीषा जी। बिल्कुल प्रीत किरण, लॉकडाउन के चौथे दौर में क्या इंतजाम किए गए हैं, लोग किस प्रकार से, क्योंकि देखिए अभी सारे दफ्तर भी खुल गए हैं तो लोग बेशक अपने जरूरी काम के लिए घरों से बाहर जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो घरों पर रहने वाले लोग हैं, किस प्रकार का वहां पर माहौल? देखिए, लॉकडाउन हालांकि जरूर चल रहा है लेकिन तमाम सरकारों ने छूट दे दी है, ट्रांसपोर्टेशन की लगभग सुविधा मुहैया करा दी गई है। इसके साथ ही निजी जो ऑफिस है उनको खोल दिया गया है। हालांकि अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं खुले, यही वजह है कि आज जो रिजर्व बैंक के गवर्नर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा शक्तिकांत दास से कि जो मैन्युफैक्चरिंग रेशो बहुत गिरावट आई है, 21% की गिरावट आई है और औद्योगिक जो तमाम उत्पाद है उनमें भी 17% की कमी आई है। बहुत नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से देश के आर्थिक हालात को। यही वजह है कि अब जो लोग घरों पे हैं उनके लिए भी, जो लोग काम नहीं कर पा रहे उनके लिए भी, और जो लोन लेने की एक समय सीमा थी 31 मई जो पहले तय की गई थी 3 महीने की छूट, उसको बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया। यानी अब 31 अगस्त तक लोग अपना जो बकाया लोन है अगर वो नहीं देते हैं तो उनके लिए ये छूट जारी रहेगी। तमाम सरकार की तरफ से ऐलान किए जा रहे हैं लॉकडाउन में। जी बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।